देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आस्था सिन्हा। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पचम्बा थाना क्षेत्र से सामूहिक दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला हुआ उजागर। गौशाला मेला देखने आई महिला के साथ हुआ है गैंग रेप। पचम्बा थाने में मामला हुआ दर्ज, जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस। नानक देव के प्रकाशोत्सव को लेकर मुख्य गुरुद्वारे में कई कार्यक्रम। गुरु सिंह सभा की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर। इधर गुरुद्वारे में भी दिन भर चलता रहा शबद कीर्तन। लंगर में भी जुटे भारी संख्या में श्रद्धालु, ग्रहण किया प्रसाद। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के सौजन्य से सिविल कोर्ट परिसर स्थित सेमिनार हॉल में लगा स्वास्थ्य जाँच शिविर। न्यायिक पदाधिकारियों ने किया उद्घाटन। कोर्ट के पदाधिकारियों और कर्मियों की हुई स्वास्थ्य की जांच। शिक्षा विभाग की ओर से सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित हुआ कला उत्सव। जिले भर के स्कूली छात्र छात्राओं ने लहराया अपने हुनर का परचम। विभिन्न कलाओं में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर बटोरी वाहवाही। अव्वल आने वाले कलाकारों को किया गया पुरस्कृत। विस्तार से पचम्बा गौशाला मेला घूमने आई एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आ रही है। फिलहाल महिला के आवेदन के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। गिरिडीह के पचम्बा गौशाला मेला में घूमने आई पीरटांड की महिला के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही पीड़िता के साथ आए उसके तीन रिश्तेदारों के साथ आरोपियों ने जमकर मारपीट भी की। गैंगरेप की घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी संतोष मिश्र और पचम्बा थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह स्वयं जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार संदेह के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार पीरटांड थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता रविवार की शाम अपने तीन रिश्ते के युवकों के साथ पचम्बा गौशाला मेला आई हुई थी। घूमने के दौरान ही काफी देर होने के बाद जब पीड़िता और उसके रिश्ते के तीनों युवकों को गौशाला के बाहर कोई गाड़ी नहीं मिली तो तीनों युवकों के साथ पीड़िता दोबारा गौशाला की तरफ जाने लगी। इसी बीच तीन युवक शराब के नशे में गौशाला के समीप पहुंचे और पीड़िता को जबरन सुनसान इलाके में ले जाने लगे। इस दौरान जब पीड़िता और युवकों ने तीनों आरोपियों का विरोध करना शुरू किया तो तीनों आरोपी युवकों ने पीड़िता के साथ आए युवकों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। पीड़िता व उसके साथ आए दो युवकों की माने तो तीनों आरोपी युवकों ने पीड़िता को एक पहाड़ी के पीछे ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान दोनों युवकों ने आसपास के इलाके में मदद के लिए काफी आवाज भी लगाया लेकिन उन दोनों की आवाज किसी ने नहीं सुनी। देर रात जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़िता व उसके साथ आए युवकों को लेकर थाना गए। फिलहाल पुलिस इस गंभीर मामले को सुलझाने में लगी हुई है। गौशाला मेला में घूमने के बाद हम लोग तारा माची में चढ़ा, मौत कुआं देखा, उसके बाद चिकन उकन खाए, चौमिन बोलता है सो, इसके बाद खाना भी लाए पार्सल दो प्लेट। इसके बाद जो कौन स्कूल है मालूम, नाम तो मालूम नहीं, गौशाला का बाहर है वो एक पीछी सी है, अंदर गया, अंदर तरफ नहीं सामने ही सम, कम से कम 11:30 बजता होगा उस टाइम हम लोग खाना उना खाए। ये पार्सल लाया था सो, खसी का मटन था और दो प्लेट था, तो भाभी को हाफ प्लेट दिया और हम लोग दोनों एक ही में खा रहा था। और इसके बाद हाथ धोया, इसके बाद हम लोग बोला चलो इधर से, जगह ठीक नहीं है, ठीक नहीं। इसके बाद 10 मिनट के बाद ही बदमाश आने के बाद
हम लोग तीन जन था, तीनों को मारने लगा। तीनों को मरते मरते एक तो भाग गया, से कहाँ चला गया वो तो। दो जन था ये भी भाग गया, मैं भी तो मैं एक जन, वो लोग तीन था, एक मैं हिम्मत किया वो लोग के पास, मैं भी फिर गया, फिर दो जन मेरे पास आया, तो मैं एक जन क्या करेगा। इसके बाद फिर मैं डर के मारे मैं भी नहीं गया, मैं बोला कहीं जाएगा, पिया खाया वो लोग होगा, हमको भी मार देगा। इसके बाद वो भाभी लगती थी सो लेके चले गए, एक आदमी उसका मुंह दबाया था, चला गया। इसके बाद मैं क्या बोलता है पुलिस चौकी, पुलिस चौकी के वो पास गया। इसके बाद वहाँ पर ये रिपोर्ट मैं बोला, तो बाइक लेके वो भी आया इधर मेरे साथ, इधर उधर घूमा नहीं मिला, मैं आवाज़ दिया भाभी भाभी कुछ नहीं। तो लास्ट में मैं पचम्बा थाना में शायद दो बजे मैं जाके फ़ोन किया, तब साहब लोग पेट्रोलिंग ने मेरे को साथ दिया, थोड़ा इधर उधर घुमाया तो भी नहीं मिला। इसके बाद तो भी नहीं मिला, वो लोग भी घुमा, हम लोग भी घुमा, हमें उसके लोग का साथ साथ में हम भी घुमा, नहीं मिला। इसके बाद दो तीन बजे चार बजे हमको मिला, कहाँ पर, वो पुलिस चौकी के पास, सहायता केंद्र ने क्या बोलते हो, वहाँ पर वो पर मिला। इसके बाद हम लोग आ रहा था उधर, सर लोग था पुलिस, उसके बाद आ रहा था थाना हम लोग, तब तो मेरा भाभी में वो लड़का को, एक लड़का था देख लिया, पहचान लिया, बोल रहा हाँ सर यही एक यही आदमी था। तो सर ने पकड़ के थाना में अंदर किया, अभी एक और एक पकड़ाया, अभी दो का पता नहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सोमवार को सिविल कोर्ट परिसर स्थित सेमिनार हॉल में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का विधिवत उद्घाटन न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा किया गया, बाद में कोर्ट के पदाधिकारी और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मनोरंजन कुमार के नेतृत्व में सोमवार को गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित सेमिनार हॉल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक नाथ तिवारी, नव नियुक्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार संदीप कुमार बर्तम, सिविल सर्जन अवधेश प्रसाद सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एक स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम झालसा रांची के निर्देशानुसार और गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक नाथ तिवारी के मार्गदर्शन में संचालित कराया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर आदि की जांच कराई गई, ताकि स्वस्थ होकर कर्मचारी एवं पदाधिकारी बेहतर ढंग से अपना कार्य कर सकें। कार्यक्रम का संचालन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोरंजन कुमार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री मिथिलेश कुमार सिंह, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्री रंजय कुमार, न्यायाधीश प्रभारी श्री निशिकांत उपस्थित थे। देर रात तक उनको रुक के काम करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है केसेस उतने ही बढ़ रहे हैं, कोर्ट नंबर्स उतने ही बढ़ रहे हैं, इसलिए रात दिन काम करने के बाद आदमी को अपने लिए फुर्सत ही नहीं मिल पाता है। एक्चुअली ये मेडिकल कैंप यहाँ लगाने की प्रेरणा मुझे तब मिली जब मैं साहबगंज में पोस्टेड था, इसके जस्ट पहले तो मैंने डॉक्टर साहब से आते ही चर्चा किया था, तो वहाँ एक मेरा स्टाफ डिपोजिशन टाइपिस्ट हार्डली 22-23 साल का लड़का, वो कंप्यूटर का बहुत अच्छा जानकार और वो काम करते रहता था। अचानक हम उसको नोटिस लेते थे कि वो कभी कभी उसकी आँख छपक जाती थी, उसके चेहरे में उदासी आ रही थी, तो हमें एक दिन नहीं रहा गया। हम पूछे कि भाई क्या बात है, तुम इस तरीके से आए थे तो काफ़ी अच्छा काम करते थे, अब देखते हैं तुमको डिजीनेस फील हो रहा है। तो हम बॉडीगार्ड और भी उनको बोले कि नहीं गाड़ी लगाओ, हम इसको लेके हॉस्पिटल जाए। लेके मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ के सीएस वगैरह सब लोग, पता चला कि हम वहाँ पहुँचे हैं, तुरंत वो लोग तैयार हो गए। जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उसका ब्लड शुगर 350 के आसपास, 350 ब्लड शुगर वाला आदमी काम करता था, उसको पता ही नहीं है उसको ब्लड शुगर।
शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन सरजेसी बोस पालिका उच्च विद्यालय में किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर से आए विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक के निर्देश के आलोक में सोमवार को जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी कोटि के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के वर्ग अष्टम से लेकर बारहवीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस उत्सव का थीम क्षेत्र के जनजातीय लोक एवं परंपरागत कलाओं पर आधारित नृत्य, गायन, वादन और चित्रकला था। इस उत्सव के जिला स्तरीय आयोजन के बतौर नोडल पदाधिकारी प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह और कार्यक्रम संचालन के लिए बनी समिति में शिक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, पत्रकार अरविंद कुमार, चंदन कुमार, रानू बोस, भानु प्रसाद और अर्जुन दास थे। कार्यक्रम का आरंभ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, ADPO, APO और जूरी मेंबर्स के द्वारा संयुक्त रूप से दीपोत्सव के साथ किया गया। मौके पर अपने संबोधन में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सरकार के ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में जो विभिन्न विद्याओं में जो छिपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण साबित होता है। यहाँ आए प्रतिभागी कल के भविष्य हैं। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को निर्णायक मंडली के द्वारा परखा गया। बाद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर पदाधिकारियों के हाथों सम्मानित किया गया। आपका कार्यक्रम है, आपकी प्रतिभा को निखारने का यह मंच सरकार की ओर से। जो आज का जो कार्यक्रम है वो एकल संगीत है, एकल वाद्य है, एकल नृत्य है, एकल चित्रकला है। इस एकल में अपनी प्रतिभा को यहाँ निखारें और यहाँ हमारे बीच जूरी मेंबर भी उपस्थित है जो आप सबों को ईमानदारीपूर्ण, अनुशासनपूर्ण मार्क्स देंगे और हम चाहेंगे कि आपकी जो सबसे अच्छी प्रतिभा होगी वो हमारा राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। जो राज्य स्तर पर जो हमारा प्रोग्राम है वो 13-14 नवंबर को है और मैं भगवान से आशीर्वाद देती हूँ कि हमारा जिला जब राज्य स्तर पर जाएगा तो वहाँ भी अपना स्थान को ग्रहण करेगा और आगे ऊंचाई तक ले जाएगा। हम आप सबों को बहुत बहुत गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव को लेकर शहर का माहौल भक्ति और आस्था से तरबतर है। सोमवार को भी शहर के मुख्य गुरुद्वारे में सप्त कीर्तन का आयोजन किया गया। बाद में श्रद्धालुओं ने लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया। गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव को लेकर गिरिडीह के मुख्य गुरुद्वारे में लगातार धार्मिक गतिविधियां संचालित हो रही है। सोमवार को भी दिन भर यहाँ सबद कीर्तन का दौर चलता रहा। मौके पर बाहर से आए रागी जत्थे ने भजन कीर्तन किया जिससे सिख संगत निहाल होता रहा। इन धार्मिक गतिविधियों में गिरिडीह के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भजन कीर्तन के बाद गुरु नानक विद्यालय के छत पर लंगर का भी आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु जुटकर प्रसाद ग्रहण किया।
गुरु सिंह सभा के पैनल तले सोमवार को स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारे में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 41 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर कई उत्साही लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस शिविर में हिस्सा लिया। स्टेशन रोड स्थित गिरिडीह के मुख्य द्वारे में सोमवार को गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव को लेकर एक वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सिख समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने कीमती लहू का दान किया। यह कैंप रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोगी से संचालित कराया गया। मौके पर गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष डॉक्टर गुरवंत सिंह मोंगिया, कुशल सलूजा, समी सलूजा, अमरजीत सिंह सलूजा, प्रिंस सलूजा, मनी सलूजा, बंटी सलूजा, सुखदीप कौर समेत समाज के अन्य कई लोग मौजूद रहे। यहां इस शिविर के संचालन में रेड क्रॉस सोसाइटी के मदन लाल विश्वकर्मा, राकेश मोदी, तारक नाथ देव, रमेश यादव, मुकेश खेतान आदि अपना सहयोग दे रहे थे। बताया गया कि शिविर में 41 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ साथ एक ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगा है, जिसमें कि हमारे युवा बड़े ही शौक से आज यहाँ पर अपना रक्तदान कर रहे हैं, ताकि समाज में अच्छे कार्यों के लिए, जिस तरह से गुरु नानक ने बताया है कि सभी की सेवा करनी है, जिस तरह से लंगर में अन्य चीज़ों में सिर्फ सेवा भाव जो गुरु नानक ने बताया है, उसी सेवा भाव के तहत आज रक्तदान शिविर लगा है हमारे गुरुद्वारा परिसर में, जिसमें कि सारे युवा लोग मिल करके बड़े ही उत्साह के साथ, जिस उत्साह से गुरु पर्व मना रहे हैं उसी उत्साह से रक्तदान भी कर रहे हैं। गुरुद्वारा में ब्लड बैंक का तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा गया, तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन 50 रुपये की भी, महिला भी दिया, जो महिला दिया रेड क्रॉस का तरफ से, ब्लड बैंक का तरफ से हम उनको। अवैध विस्फोटक रखने के आरोप में पिछले दिनों पेंगाबाद में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दोनों आरोपी फरार थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अवैध विस्फोटक भंडारण मामले में पेंगाबाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जाता है कि पेंगाबाद कांड संख्या 442/19 के फरार चल रहे दो आरोपियों को एएसआई अरुण पांडे ने गुप्त सूचना के आधार पर दबोच लिया और पूछताछ के बाद दोनों को केंद्रीय कारा भेज दिया। बताया जाता है कि पालोखरी गांव निवासी तारनी पंडित और नकुल गोस्वामी पर अवैध रूप से विस्फोटक भंडारण का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ये कहाँ से लाए पुलिस? इसके गांव मांडरडी पालोखरी एक बस्ती है गंगाबाग थाना अंतर्गत जी। इसमें ये कारोबार संदिग्ध थे कांड संख्या 442/19 में जी। थाना प्रभारी के निर्देशन के अनुसार जी गुप्त सूचना मिला कि ये फिरार चल रहे थे। सूचना मिला कि फलना जगह ये अभी घर गए, हम लोग अंकुश लगाए हुए थे और घर को घेराबंदी कर इनको गिरफ्तार किया गया। थैंक यू सर। उत्पाद विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से ताराटांड थाना क्षेत्र में छापा मारकर अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस दौरान अवैध शराब के साथ एक धंधेबाज को भी दबोचा गया। गिरिडीह में अवैध शराब कारोबार पर फिर गाज गिरी है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के सुपरिटेंडेंट के निर्देश पर ताराटांड पुलिस की मदद से सोमवार अहले सुबह छापा मारकर ताराटांड अंतर्गत तीन पतली गांव में चलाए जा रहे अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है।
इस अभियान के दौरान भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान मिला है, जिसमें 100 लीटर स्प्रिट, 40 लीटर तैयार किया गया नकली शराब, कॉर्क, अलग अलग कंपनियों के लेबल समेत कई अन्य सामग्री जब्त की गई है और उसे गिरिडीह स्थित एक्साइज डिपो लाया गया। बताया जा रहा है कि इस अवैध शराब फैक्ट्री के संचालन की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सुनियोजित तरीके से इसका पर्दाफाश किया। बताया गया कि एक्साइज विभाग के एसआई मोहम्मद गुफरान के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। मौके से फैक्ट्री संचालक बाबूराम मुर्मू को गिरफ्तार किया गया। अधीक्षक उत्पाद गिरिडीह के निर्देशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर आज सुबह सुबह जो है तीनपतली गांव में बाबूराम मुर्मू के घर पर छापेमारी करके एक अवैध मिनी फैक्ट्री शराब की उद्भेदन किया गया है, जिसमें बाबूराम मुर्मू को अरेस्ट कर लिया गया है और पंकज वर्मा जो फरार हैं उन पर फरार अभियोग दर्ज किया जाएगा। और इसमें एग्जिबिट मिला है 40 लीटर जो है आपको मसालेदार देसी शराब है, स्पिरिट है 100 लीटर, RS 375 ML का 90 लीटर दारू बरामद हुआ है, कॉर्क है लगभग 1200 पीस, असमंजक लेबल है EL है, डुप्लीकेट EL है, ये लगभग 1000 पीस है और RS का लेबुल है 375 ML का लगभग 1000 पीस, RS का कॉर्क है 1000 पीस और खाली बोतल है सीसी 375 ML का 400 पीस के लगभग, और मसालेदार देसी शराब का खाली रोल जो है वो 5 रोल है ये बरामद हुआ है। ये छापामारी जो है वर्तमान इलेक्शन को देखते हुए किया गया है, आगे भी ये छापेमारी इस तरह की जारी रहेगी। शहर में नौसिखे चालकों की बढ़ती संख्या और हादसों को देखते हुए पुलिस ने शहर के पचम्बा में ऑटो चेकिंग अभियान चलाया और कागजातों की जांच की। इस दौरान कई ऑटो को पुलिस ने जब्त भी किया। शहर में बढ़ते हादसों को देखते हुए गिरिडीह पुलिस ने नाबालिग ऑटो चालकों की जाँच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार को पचम्बा थाना के समीप कई दर्जन ऑटो को रोका गया और कागजातों की जांच की गई। यह अभियान ट्रैफिक इंचार्ज नारायण सिंह की अगुवाई में चलाई गई। मौके पर कई पुलिस के जवान मौजूद रहे। बताया गया कि शहर में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें नौसिखे चालकों का नाम सामने आ रहा है। इसी को ध्यान में रखकर आज ऑटो चालकों के तमाम कागजातों की जाँच की गयी और विधि सम्मत कार्रवाई की गयी। इस क्रम में त्रुटि पाए जाने पर 20-25 ऑटो को पुलिस थाना ले आई। बताया गया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पचम्बा थाना अंतर्गत हम लोग ऑटो चेकिंग का अभियान चलाए हैं वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार, और अभी छोटे बच्चे भी ऑटो चला रहे हैं और साइड बे साइड इन लोग को इधर उधर चला रहे हैं, जिसके चलते हम लोग को आदेश मिला है कि ऑटो चेकिंग किया जाए। ऑटो उसी माध्यम से चेकिंग कर रहे हैं। अभी जितने ऑटो चेकिंग हुआ है लगभग ठीक है मिला है, लेकिन आगे भी हम लोग चेकिंग जारी रखेंगे। अभी बेंगाबाद प्रखंड में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिल रहा है। वहां बोना भंडारीडी गांव में एक पागल कुत्ते ने कई लोगों को घायल कर दिया। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों में इन दिनों पागल कुत्ते का आतंक देखने और सुनने को मिल रहा है। ताजा मामला आया है बेंगाबाद के बोना भंडारीडीह गांव से। यहां एक पागल कुत्ते ने कई लोगों को घायल कर दिया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि नेमिया देवी अपने घर से दुकान की ओर जा रही थी, इसी दौरान एक पागल कुत्ते ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। उसी को बचाने के चक्कर में एक बच्चा भी कुत्ते से भिड़ गया, जिससे बच्चा भी बुरी तरह से घायल हो गया। तो हम अंदर से निकले तो हो पाता है। क्या नाम हुआ आपका? झारखंड पेंशन एसोसिएशन का प्रथम जिला सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पेंशन के कल्याण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम निर्णय लिए गए। झारखंड पेंशनर कल्याण समाज जिला शाखा का प्रथम सम्मेलन कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल प्रांगण में संपन्न हुआ। यहां बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस सरकारी कर्मचारी ने 30 से 40 वर्ष की सेवा देश व राज्य के विकास में दिया और अपने आप को समर्पित किया, ऐसे कर्मियों का पेंशन भी आज छीन लिया जा रहा है। न्यू पेंशन योजना को समाप्त कर यदि अंग्रेज के जमाने से चल रही पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस नहीं लाया गया तो सरकार अपनी भी हालत को चंद दिनों में स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी बड़े घरों से नहीं आते हैं, बल्कि ये मजदूर किसानों के घरों से आते हैं। यहाँ इस एक दिवसीय सम्मेलन में प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, राज्य महासचिव हेमशंकर पांडे, प्रसाद सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। सम्मेलन में जिला शाखा के निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची भी जारी की गई, जिसमें अशोक कुमार सिंह को अध्यक्ष, लखन हरिजन, कंवल देव सिंह व रामेश्वर पांडे को उपाध्यक्ष, रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा को जिला मंत्री का भार सौंपा गया। रविंद्रनाथ पांडे 2004 में कुछ लोगों का पेंशन छीन लिया, जो बाकी पेंशनर्स हैं उनके ऊपर भी कभी गाज गिर सकती है। इसलिए समूचे देश के अंदर यह आवश्यकता है कि पेंशनर एकजुट हो। इसलिए हम लोग अपने अधिकार की रक्षा के लिए कि समूचा जिंदगी इस देश के विकास योजना और प्रशासन में हम लोगों ने लगा दिया। और जब सेवानिवृत्ति के बाद जिस अंग्रेज ने सोचा था कि ये जब अंग्रेज सरकार का नौकरी करता है तो बुढ़ापे में इसका कौन भला करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में उसने पेंशन योजना शुरू किया था 1917 में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में पेंशन योजना बंद कर दिया गया, जबकि पेंशन फंड में इतना ज़्यादा फंड है वह शेयर मार्केट को डाइवर्ट कर दिया गया। आज बिना पेंशन के जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सच्चाई है कि 60 साल के बाद जो रिटायर होते हैं अगर पेंशन नहीं रहेगा तो उनको भूखे मरने के अलावे या बीमारी से मरने के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं बन सकता। अंत में एक बार फिर आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पचम्बा थाना क्षेत्र से सामूहिक दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला हुआ उजागर। गौशाला मेला देखने आई महिला के साथ हुआ है गैंग रेप। पचम्बा थाने में मामला हुआ दर्ज, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नानक देव के प्रकाशोत्सव को लेकर मुख्य गुरुद्वारे में कई कार्यक्रम। गुरु सिंह सभा की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर। इधर गुरुद्वारे में भी दिन भर चलता रहा शबद कीर्तन। लंगर में भी जुटे भारी संख्या में श्रद्धालु, ग्रहण किया प्रसाद। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के सौजन्य से सिविल कोर्ट परिसर स्थित सेमिनार हॉल में लगा स्वास्थ्य जांच शिविर। न्यायिक पदाधिकारियों ने किया उद्घाटन। कोर्ट के पदाधिकारियों और कर्मियों की हुई स्वास्थ्य की जांच। शिक्षा विभाग की ओर से सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित हुआ कला उत्सव। जिले भर के स्कूली छात्र छात्राओं ने लहराया अपने हुनर का परचम। विभिन्न कलाओं में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर बटोरी वाहवाही। अव्वल आने वाले कलाकारों को किया गया पुरस्कृत।
ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।